शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से कैसे अशुभ कदम है इस लड़की के, जाओ इसे अपने मायके छोड़ाओ। इस घर में मेरी बच्ची की पैदाइश की इज्जत ना हो, मैं वहाँ अपनी बच्ची को लेकर कैसे आ सकती हूँ। तुम अपना कुछ सामान घर भूल गयी थी, श्रद्धा से बात करनी थी। उसकी नौकरी लगी है ना दिल्ली में, इसलिए वो यहाँ से चली गई है। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए, मेहरबानी करना और हमारी जिंदगी में कभी लौट के मत आना। पापा से यह की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। मम्मी अपनी सानवी को सबसे बहादुर और सबसे समझदार बनाएगी। क्या हुआ, बाहर ही खड़ा रखोगी? हाँ, हे भगवान, आप यहाँ अचानक, मेरा मतलब है आप तो, हे भगवान, आप अंदर आइए ना, प्लीज अंदर आइए। आपको मुझे याद करने में 6 साल लग गए अब है। 6 साल श्रद्धा, एक पल भी ऐसा नहीं निकला जब मैंने तुम्हें याद ना किया। उस दिन गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गया मैं तुम्हें, पर आगे भी तो तुम्हें मेरा गुस्सा संभालती थी ना, उस दिन भी संभाल लेती। मैं नाराज था तो मना लेती, पर तुम तो घर छोड़ के ही चली गई। तो मैं और क्या करती, मुझे तो यही लगा ना कि अब अपनी जिंदगी में आप मुझे चाहते ही नहीं है। आपके बिना ये पहाड़ जैसे 6 साल कैसे बीतेंगे ये सिर्फ मैं जानती हूँ, और मेरे आंसू। आज अभी इसी वक्त ये दूरी खत्म, चलो मेरे साथ अपने घर। मामा। श्रद्धा, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ।
अभय, सांगी भी हमारी ही बच्ची है, वो भी अपने पापा को बहुत याद करती है। और सिया, सिया अपनी मम्मी को याद नहीं करती क्या? श्रद्धा आज भी तुम्हारे लिए सानवी मेरे और सिया के ऊपर है। नहीं अभय, मेरे लिए आज भी मेरा परिवार ही सबसे ऊपर है। आप, सिया, सानवी और मैं, हम सब एक साथ अभय। मम्मा, मम्मा पानी। फिर से बाबा से बात की ना? हाँ बेटा। आपको पापा की याद आती है तो मुझसे बात करो। आज तो मेरी गुड़िया रानी का बर्थडे है, है ना? और सियादी का भी। हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया रानी, आपको मम्मा की तरफ से बहुत सारा प्यार। हैप्पी बर्थडे सिया। हैप्पी बर्थडे मेरी परी। थैंक यू पापा, मेरा गिफ्ट। लो बताओ, अभी तक सो रही हमारी बिटिया रानी। सिया बेटा, कम से कम आज तो जल्दी उठ जाओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, हम तुम्हारी आरती उतारेंगे। कहाँ कहाँ हम देखे अभय, तुम्हारी जो महारानी है ना, उन्होंने पूरा कमरा देखो तो खिलौनों की सेना से सजा कर रखा हुआ है। सिया, उठ जाओ ना बेटा। बुआ जी, रहने दीजिए ना, मेरी बच्ची जितना चाहे उतना सो सकती है। मुझी, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, शाम को आते वक्त केक को तोहफा लेते हुए आऊंगा। और हाँ, मैंने शाम की पार्टी की सारी तैयारी कर दी है, आप बस ध्यान रखिएगा किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची का आज मुंह उतरे। जिस बच्ची के जन्मदिन पर उसकी माँ ही उसके साथ ना हो, क्या तब भी बाकी चीजें मायने रखती है अभय? आज के दिन का इंतजार बेसब्री से तुम दोनों ने किया था, आज ही के दिन तुम्हारा परिवार पूरा होने का सपना पूरा हुआ था, जिसे श्रद्धा ने तोड़ा, जिसके लिए मेरी और मेरी बच्ची के सपनों की अहमियत नहीं है, उसकी हमारी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है बुआ जी, और हाँ, सिया को ज्यादा तंग मत कीजिएगा।
यार उठो, यार उठो ना, यार उठो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। क्या यार कीर्ति, रोज रोज का वही एक नाटक, आज ये फिर स्कूल के लिए देरी करेगी। यार कीर्ति, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है और तुम खुद इसके साथ लेटी हुई हो, खुद भी उठो और इसे भी उठाओ, चलो। तो क्या हो गया, बिचारी को सोने दीजिए ना, आपको पता है 3 बजे तक जागी हुई थी ये, सोने दीजिए। रात को देर तक मोबाइल पे लगे रहना तो बहुत मेहनत का काम है ना, इसलिए तुम्हारी ये लाडली बेचारी। क्या यार कीर्ति, इसका रोज का यही नाटक है, उठाओ इसे। वरुण जी, आप इतना क्यों सोचते हैं, कौन सा एग्जाम है इसका आज, क्या हुआ नहीं जाएगी तो, सोने दीजिए। हाँ कीर्ति, रोज ऐसा ही होता है, तुमने जिद करा के इसकी भर्ती महंगे स्कूल में तो करा दी, लेकिन ये मैडम स्कूल जाती कहाँ। अच्छा ठीक है वरुण जी, बस आज आज और एक छुट्टी लेने दीजिए बस, ठीक है। वैसे भी सिया का बर्थडे है ना वरुण जी, आराम से सोएगी तो चेहरे पे निखार रहेगा, फोटोज भी अच्छे आएंगे। हाँ सुन दीजिए। हेलो जी सर, मैं बस एक घंटे में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ओके को तो शाम को आके देखता हूं। मैंने क्लाइंट से बात कर ली थी और प्रेजेंटेशन भी रेडी कर दिया है मीटिंग के लिए, आई एम श्योर ये डील हमें ही मिली। कंसाइनमेंट आज आने वाला था ना? हाँ, उनसे मेरी सुबह ही बात हुई थी, वो कह रहे थे कि 1-2 दिन लगेंगे। क्या? तुम जानती हो ना उस कंसाइनमेंट का आ जाना कितना जरूरी था? अब उसकी भरपाई वो खुद करेगा। अब है 1-2 दिन तो लग सकते हैं ना? मेरे बिजनेस में नहीं लग सकता। ये ग्लोबल गवर्नमेंट के मालिक से मेरी दोपहर की मीटिंग फिक्स कराओ और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? देख रही हूँ कि इन 6 सालों में तुम कुछ ज्यादा ही बदल गए हो। वक्त इंसान को बदल देता है। कितना अच्छा होता ना कि आज सिया के बर्थडे पे श्रद्धा और सानवी दोनों होते, उसके लिए इससे बेहतर गिफ्ट और क्या ही होता है ना? तुम्हें कितनी बार बोला मैंने, उन दोनों का नाम मेरे सामने मत लिया करो, और ऐसे भी मेरी सिया के लिए उसके पापा ही बहुत है। दुनिया की बेस्ट मामा हो, और आप भी दुनिया के बेस्ट बच्चे हो। चलो सबसे पहले इस लड्डू का भोग माता रानी को लगाओ। थोड़ा माता रानी के लिए, बाकी सारा सानवी के लिए। अच्छा तो फिर
ये कौन खाएगा? वाओ, आपके हाथों का बना हुआ यमी यमी केक। जी सर। श्रद्धा, एक कंसाइनमेंट पहुंचाने में हमसे देर हो गई और अब वो क्लाइंट बहुत नाराज है, सर से बात करना चाहते हैं जो विदेश गए हैं। तुम बात करोगी? नंबर दे दूं तुम्हारा? ठीक है, आप नंबर भेज दीजिए, मैं बात कर लूंगी। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं, ऑफिस से काम के लिए फोन था। चलो हम अभी पहले आरती कर देते हैं। अभय ने पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी की है। पार्टी से हमें याद आया, कीर्ति ये पार्टी तो नहीं छोड़ती, वो है कहाँ? क्या है ना, उनकी भी किटी पार्टी आज ही थी, आ जाएंगी बाद में। लो बताओ, इस घर में ना सिर्फ कीर्ति के ही मजे हैं। वैसे हमें मजे से याद आया, तनुजा भाभी कहाँ है? वो अभी तक नजर नहीं आ रही। अरे वही तो, दादी को यहाँ होना चाहिए सबके स्वागत के लिए, लेकिन नहीं, पता नहीं कहाँ है। पापा, मम्मी तो अपना ही स्वागत आलीशान तरीके से कर लेती है, वो देखिए। बच्चे की बर्थडे पार्टी है, इतना सब तामझाम पहनना जरूरी था क्या? अरे हमारी पोती के जन्मदिन में हमारे बेटे ने हमें 5 लाख का हार दिया है, तो अब 1 लाख की साड़ी तो हमें पहननी होगी ना। आप दोनों भाइयों के बीच में ना हमें तनुजा के ताने सुनने पड़ते हैं। जब वो नहीं चाहती कि हम ये त्योहारों में उनके साथ शामिल हो, तो फिर आप क्यों जिद करते हैं? तनुजा नहीं चाहती, फिर भी अनुज निभा रहा है ना। नैना जी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, आपको अपना फर्ज निभाना चाहिए। तनुजा की नादानियों को नजरअंदाज करना चाहिए आपको। हमें ना हमारी इज्जत प्यारी। वैसे रितु, हमने ना खास खाने का इंतजाम किया है सबके लिए, और ऐसा खाना साल में सिर्फ एक ही दिन मिलता है। हाँ रितु, आज ना हमारा व्रत है, तो हम तो कुछ खाएंगे नहीं, और वैसे भी इतना अच्छा खाना खाने की हमें आदत नहीं है ना, तो हमारा पेट बिगड़ जाएगा। हमारे कंधे पर बंदूक रखकर अगर एक दूसरे को ताने मारने का अभ्यास आप लोगों का खत्म हो चुका हो, तो हम जरा बड़ों की तरह भी बातें कर सकते हैं। भाई साहब, तनुजा जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हाँ, जो खुश है तो अपनी खुशी कुछ ज्यादा ही जाहिर कर दी उन्होंने। नैना जी, श्रद्धा के जाने के बाद हमारा परिवार बस नाम का ही रह गया। तनुजा जी भाभी को सुनाती रहती है, और दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं करते, आज 6 साल हो गए। सही कह रहे हो अनुज, श्रद्धा यहाँ होती तो ऐसा नहीं होता। उसके रहते झगड़े जरूर होते थे परिवार में,
पर अंत में सब एक तो हो जाते थे। अब भाई साहब सिर्फ श्रद्धा ही इस मकान को घर बना सकती है। आप अच्छे होंगे अभय, आपकी बहुत याद आती है। याद आ रही है सिर्फ अपने पापा की। हाँ मेरी परी, बस आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ ऑफिस से। पापा आप अपना मैसेज देखो, मुझे वही गिफ्ट चाहिए। ठीक है, अभी देखता हूँ और आपको आपका गिफ्ट मिल जाएगा। वैसे पापा की परी को पापा की नहीं गिफ्ट की याद आ रही थी। बच्ची है यार, और ऐसे भी सिया को कोई भी गिफ्ट चाहिए उसे जरूर मिलेगा, चाहे वो कितने का भी हो। मेरी परी। थैंक यू अंकल। किसे थैंक यू बोल रही हो? मम्मा पता नहीं, कोई अंकल। हेलो, कौन बोल रहा है? रंग दुनिया में एक रंग हो तुम्हें, कैसे भूलूं तुम्हें, हर याद हो तुम्हें। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।